हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय सेल्फ तुषार, एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके पिरामिडालिस मसल्स के बारे में। देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इसके एक जनरल एनाटॉमी, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और इसका एक्शन को देखेंगे। एंड ये आपके पास डायग्राम है, इससे भी पढ़ेंगे कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी मसल। एंड हमारी जो ये सीरीज चल रही थी आपकी एबडोमिनल मसल्स की, अगर आपने इसमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको जो इससे पहले हम जो एबडोमिनल मसल्स देख चुके हैं आप उसे देख सकते हैं। अब जैसे ये चार्ट दिख रहा है सामने, तो आपने देखे इसमें कि आपका जो हम एंटीरियर वाला पार्ट है, दैट इज़ एंटीरो लेटरल आपकी जो मसल्स होती हैं उसमें हमने आपकी जो इंटरनल ओब्लिक है, एक्सटर्नल ओब्लिक है, आपकी ट्रांसवर्स और रेक्टस एब्डोमिनस ये पढ़ चुके हैं। आपकी एक बच गई है पिरामिडलिस, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद आपकी जो पोस्टीरियर वाली बची हैं, जो चार आपकी मसल्स हैं, ठीक है, क्वाड्रेटस, लंबोरम, आपकी सोआस मेजर, सोआस माइनर और इलियाकस मसल, इसको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी बात कर लेते हैं आपकी पिरामिडलिस मसल्स के बारे में, क्लियर। तो सिंपल सा, बहुत छोटी मसल है और एकदम छोटा एक्सप्लेनेशन है इसका कि पिरामिडलिस इज़ अ पेयर्ड ट्राइंगुलर मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, जो हमने पहले भी देखा था आपको चार्ट फॉर्म में, फाउंड ऑन ईच साइड ऑफ द लीनिया एल्बा। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपके ये दो हिप बोन्स हैं, ये बीच में आपकी लीनिया एल्बा है, ठीक है, एंड ये तो पीछे का सेक्शन है। उसके बाद आपकी जो रेड पार्ट, ये आपकी जो रेड दिख रहा है आपको, ठीक है, जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपके जो रेड हैं ये पेड मसल्स हैं आपकी पिरामिडलिस मसल, ठीक है। एंड आपको ये जो दिख रहा है दिस इज़ द इंग्यूलान लिगामेंट, क्लियर। तो अब हम क्या देखते हैं कि इसमें इसका जो ओरिजिन है, कि जो आपकी मसल है इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो इसमें जैसे कि लिखा है कि पिरामिडलिस मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है। तो उसके ओरिजिन के दो पॉइंट्स हैं, एक आपका है प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड दूसरा है आपका प्यूबिक क्रेस्ट। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा जैसे, सो आपका जो हिप बोन का ये प्यूबिस बोन है, यहाँ पे एक क्यूबिक क्रेस्ट होता है। इसको आपको मैं बोन्स में दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास ये हिप बोन है, ठीक है, एंड ये आपकी दूसरी बोन है, ओके। तो जैसे कि जैसे हमने इसको इस वे में रखा इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो आपको जो ये पॉइंट है, अब इनके बीच में आपका मैंने ये भी फिट कर देता हूँ, दैट इज़ आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया एंड ये आपकी आगे वाली प्यूबिक बोन है। तो ये को आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, एक ट्यूब्रिकल दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका प्यूबिक क्रेस्ट एंड आपका बीच में क्या है, आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो ये दो का पॉइंट क्या है, इसका ओरिजिन का पॉइंट है, ठीक है। तो इस साइड के लिए भी और इस साइड के लिए, क्लियर। तो ये आपके दो पॉइंट हो गए आपके ओरिजिन के। द पार्ट ऑफ द मसल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सिम्फाइसिस अराइजेस बाय द लिगामेंटस फाइबर्स, ठीक है, वाइल द बोनी अटैचमेंट्स अराइजेस फ्रॉम द टेंडिनस फाइबर्स, क्लियर। तो मतलब आपके जो बोनी पार्ट से निकल रहा है, जैसे आपकी जो ये वाला पार्ट है, कौन सा आपका प्यूबिक क्रेस्ट वाला पार्ट है, तो ये क्या है, अराइजेस बाय द टेंडिनस फाइबर्स, और आपका जो लिगामेंट वाला पार्ट, जैसे आपके सिम्फाइसिस वाला पार्ट है बीच वाला, तो यहाँ से क्या है आपका लिगामेंटस फाइबर्स निकलते हैं, क्लियर। अब यहाँ से फाइबर्स निकले, अब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है द मसल बेली नैरोज डाउन एज इट कोर्सेज सुपीरियरली, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं ट्राइंगुलर शेप है ना, तो इसका बेस कैसा है, इसका बेस बड़ा है, एंड जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो ये नैरो हो जाती है ये मसल, एंड नैरो होके ये क्या कर रही है, आपकी इंसर्ट कहाँ पर कर रही है, एंड इट इंसर्ट्स टू द लीनिया एल्बा हाफ वे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड प्यूबिक, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये नीचे से आती है एंड ऊपर आपकी जो लीनिया एल्बा है, आपकी जो ब्लू कलर में दिख रही है लीनिया एल्बा, इस पे जाके इंसर्ट कर लेती है, एंड किस पॉइंट तक इंसर्ट करती है, आपके जो अम्बिलिकस है, ठीक है, आपकी जो अम्बिलिकस होती है और आपकी जो प्यूबिस है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो अम्बिलिकस समझो आपका अम्बिलिकस यहाँ पर होगा, तो अम्बिलिकस और प्यूबिस के बीच में जाके ये एंड हो जाती है, क्लियर। तो ये तो हो गया इसका ओरिजिन इंसर्शन। एंड अगर इसकी बात करें नर्व सप्लाई की, तो उसको कौन इनोवेशन दे रहा है, कौन इसकी नर्व सप्लाई कर रहा है, तो आपकी जो सब कोस्टल आर्टरीज सॉरी नर्व है वो इसे नर्व सप्लाई देती है। एंड आपकी जो ब्लड सप्लाई है, इट इज़ डन बाय द ब्रांचेस ऑफ द इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ओके, इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। एंड जो अपनी हमारी आर्टरीज वाली सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपने कोई वीडियोज़ नहीं देखी उससे रिलेटेड तो आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको हार्ट से जैसे आर्टरीज निकलती है, जहाँ जहाँ आर्टरीज आती हैं, ठीक है, आपकी ब्रेन की हो गई, आपके लोअर बॉडी, आपके अपर आर्म, सब जगह की हमने आर्टरीज पढ़ा चुके हैं, वो भी हैंड रिटन नोट से, तो आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना, काफ़ी इजी वे में समझा रखा है उसे मैंने। एंड नर्व्स के बारे में बात करूँ तो नर्व्स में भी यस, हमने काफ़ी सारी नर्व्स भी कंप्लीट की हैं, आपके जितने प्लेक्सेस होते हैं वो सारे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। एंड ये जो भी नोट्स हैं, ये भी नोट्स हैं ना, आपको अगर डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्म में या इमेज फॉर्म में, तो आप इसे ज़रूर से कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो आपकी नर्व सप्लाई की बात होगी, ब्लड सप्लाई की बात होगी, बात करें इसके एक्शन की, देखो इतनी छोटी सी मसल क्या एक्शन मतलब परफॉर्म करती है,
तो यहाँ पे लिखा है इट टेंसेज द लीनिया एल्बा, आपकी जो लीनिया एल्बा है बीच में, ठीक है, फाइब्रस, इसको करती है, इसको टेंस करती है, इसको मतलब इसमें मतलब एक जोर डालती है इसमें, और क्या करती है आपके आसपास की उसकी और मसल्स भी होती है एब्डोमिनल, तो क्या करती है इट कॉन्ट्रैक्ट विद अदर एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, एंड क्रिएट्स अ पॉजिटिव एब्डोमिनल प्रेशर. क्या करता है, इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव एब्डोमिनल प्रेशर विच हेल्प इन फोर्स्ड इन आपके रेस्पिरेशन में जब हेल्प करता है, जब आप सिंग करते हैं उसमें हेल्प करता है, मैच्योरेशन एंड आपकी डेफिकेशन, ठीक है, इन सब प्रोसेस में ये हेल्प करता है. तो ये छोटी सी मसल है लेकिन हाँ अपना थोड़ा इम्पैक्ट डालती है. क्लियर? तो ये था आपका पिरामिडलिस मसल, जो कि पार्ट था आपका एंटीरो वर्टिकल एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है. तो ये का पार्ट हो गया आपका कंप्लीट. इसके बाद हम जो आपके पोस्टीरियर आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है. तो बस इतना ही वीडियो के लिए. कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो ज़रूर से उसे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बाकी आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड जैसी भी आपको वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है. एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.